हेलो, ये वाले एपिसोड में हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स हम पहले के वीडियो में हम पढ़े थे, ब्लड को हमने टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद हमें तीन लेयर मिले थे। सबसे ऊपर वाला लेयर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड 1-2% प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड 45% जो रिमेनिंग वाला होता है वो इरिथ्रोसाइट से भरा होता है। तो फॉर्म एलिमेंट्स थ्री सेल से बनते हैं, एक तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो इरिथ्रोसाइट्स हमने देख लिया, आज हम पढ़ेंगे ये वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो ल्यूकोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें जो भी डिजीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटल इन्फेक्शन, जो भी चीज़ें होता है, उन सब चीज़ों को मारने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब जिस तरह अपने देश को बचाने के लिए सोल्जर्स काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े सोल्जर्स, उनके अंडर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, उसी तरह अपने ल्यूकोसाइट्स के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर टी सेल्स, वैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। तो हम ल्यूकोसाइट्स के नॉर्मल फीचर्स देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। एंड सेकेंड वन जो होता है न्यूक्लिएटेड, क्योंकि हम देखे थे, हम ल्यूकोसाइट्स को इरिथ्रोसाइट्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ो, क्योंकि इरिथ्रोसाइट्स में मतलब आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो डिवाइड भी नहीं कर पाता है। बट ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है। ओके, और ये न्यूक्लियस में भी बहुत सारा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और हम उस वेरिएशंस को हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पढ़ते समय। ओके, ल्यूकोसाइट्स को हम WBC भी बोलते हैं। WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ओके, एंड और ये दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये तुम्हें मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, ये वाला जो न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो हमें रिपोर्ट देखने के लिए मेडिकली बहुत काम आने वाला है। अगर ल्यूकोसाइट्स ऊपर गए, मतलब इस काउंट से बढ़ गया, ऊपर गया, तो इसका मतलब होता है कि ये है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर ये काउंट इससे कम हो गया, मतलब ल्यूकोसाइट जो है कम हो गया, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन। जब तुम किसी का मेडिकल रिपोर्ट, हिमेटोलॉजी का मेडिकल रिपोर्ट देखोगे, तब तुम उसमें देखोगे ल्यूकोसाइट्स, WBC का काउंट कितना होता है, इन दोनों के बीच में ही वैरी होगा। जब 8,000 के ऊपर या 10,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 जब वो देखने को मिलता है, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब हमें पर्टिकुलर हमें डायरिया होता रहता है, डायरिया होता रहता है कंटिन्यूस, दिन में 5-6 बार, 6-7 बार डायरिया होता रहता है, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। उस समय हम ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे तो हमारा WBC बहुत ऊपर जाएगा। ओके, अगर ब्लड अपना WBC जो है 6,000, 4,000, 3,000, 2,000 तक कम हो गया है, तो इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन है, इट्स अ सीवियर कंडीशन। अगर वाइट ब्लड सेल जो डिफेंस मैकेनिज्म ही कम हो गया, तो इसका मतलब बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन और इजीली हो सकते हैं। जैसे कि HIV में ये अपना WBC काउंट पूरा लो हो जाता है, एड्स में क्या हो जाता है कि WBC काउंट पूरा लो हो जाता है। ओके, दिस इज़ द नॉर्मल थिंग्स अबाउट, यू शुड नो अबाउट WBC। एंड ये जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा देर तक, जैसे RBC कितने दिन तक रहते थे, 120 डेज तक इनका, 120 डेज के बाद ये स्प्लीन में जाकर अपना ग्रेवयार्ड बनाकर मर जाते थे उधर। बट WBC जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जैसे ही बने उनका काम करके फिर वो अपना, भी समझ लो एक बैक्टीरिया है, भी समझ लो ये बैक्टीरिया है और ये WBC है, WBC सेल है, ये इसको खा जाएगा, खाना मतलब फेगोसाइट कर जाएगा, और साथ में वो खुद को भी अपने आप को ख़त्म कर लेगा, क्योंकि वो बाकी के ऑर्गन्स और सेल्स को प्रॉब्लम ना पहुँचाए, इसीलिए। तो ये इसके वजह से WBC सेल जैसे ही बनते हैं उसी वैसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक पॉइंट, अगर द प्रोसेस, ल्यूकोसाइट्स बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। और ये ल्यूकोपोइसिस कहाँ देखने को मिलता है, बोन मैरो के अंदर, सिंपली। तो RBC, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों के तीनों हमें बोन मैरो में ही बनते, अडल्ट में। ओके, जैसे कि
जैसे कि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये डिफरेंशिएट होकर बहुत सारे सेल्स में बन सकते हैं, कोई भी सेल्स में, ओके। और इसमें सबसे पहला होता है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, सो इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल दो में डिवाइड होता है, माइलोइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। एंड माइलोइड स्टेम सेल जो है वो तीन प्रोसेस करता है, एक तो इरिथ्रोपोइसिस, एक तो थ्रोम्बोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट्स बनाना, एंड ल्यूकोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, एंड इरिथ्रोपोइसिस। ये सारे प्रोसेस तुम डिटेलली जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो इस सारे प्रोसेस को तुम डिटेलली स्ट्रक्चर्स वाइज पढ़ना होगा, ओके। तो मैं सिर्फ नाम देके छोड़ रहा हूँ, ये मेलर स्टेम सेल से बनेंगे। अब हम प्लेटलेट्स में भी देखेंगे, ये प्लेट्स थ्रोम्बोपोइसिस कहाँ से बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में वही देखने वाले। तो दिस इज़ अ नॉर्मल, दिस इज द बेसिक थिंग ऑल अबाउट द ल्यूकोसाइट। इसके बाद हम ल्यूकोसाइट्स के अंदर कौन से सेल्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे, ओके।